Manu. I really missed you all. I missed you. रेवा, तुम्हारी शादी हो रही है? किससे? एक लाश मिली थी, उस पर तुम्हारी तुम्हारी अंगूठी भी मिली थी। हमने हमें लगा कि और तुमने मान लिया कि मैं वापस नहीं आऊंगी। तुमने मान लिया कि वो लाश मैं थी। नहीं नहीं मंजू, हमने तुम्हें बहुत खोजा, लेकिन और तुमने तो अपने घर में मेरे पति की शादी भी करवा दी। हम सबकी यही राय थी। तुम्हारी वसीयत में कुछ ऐसा लिखा था कि वसीयत वसीयत तो मरने के बाद होती है ना। मैं तो यहाँ जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मनु, तुमने ये कैसे कर लिया? तुमने मान लिया कि मैं मर चुकी हूँ? तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मेरे अंग अंग को पहचानते हो। तुमने कैसे मान लिया? मैं नहीं मानती कि तुमने पूरी कोशिश भी की। मनु, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। मनु, अंजू, सिराज, तुम मनु विराज ने पूरी कोशिश की, मैं जानता हूं। और मैं भी तुम्हारे इंतकाल की खबर सुन के पाकिस्तान से चला है, लेकिन सब मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। मैं जिंदा क्यों हूँ? मुझे मर जाना चाहिए था। मैं जिंदा क्यों हूँ? मैं तो मामा, मामा, घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ मेंटल स्ट्रेन हुआ है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। पापा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मम्मी जिंदा है। मैं तो ये जानकर ही खुश हूं कि मम्मी वापस आ गई है। देखना मामा, मैं और रिया आपका कमरा बिल्कुल उसी तरह सजाएंगे जैसा आपको पसंद है। क्या बात है आंटी, आप मम्मी को देखकर कुछ खुश नहीं दिखाई दे रही हैं। अब मंजू के वापस आने से रेवा यहां कैसे रह सकती है? रेवा आंटी अब हमारे घर में इम्पॉसिबल। मम्मी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पापा, मैं घर जा रहा हूं, आप मम्मी को लेकर आना। Thank you.
वो लाश किसकी थी? लगती तो मंजू जैसी थी और वो सॉलिटेयर भी तो मंजू की ही थी। अगर वो लाश मंजू की थी तो फिर ये कौन है? ऑफकोर्स मंजू है। एग्जैक्टली विद्या, अगर ये मंजू है ना तो रेवा का क्या होगा? बेचारी, उसकी हालत तो ऐसी होगी जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। पॉर थिंग। क्या बात है विकी? मेरी मम्मी मेरे साथ रहेंगी मेरे घर में, एंड दैट्स फाइनल। पर जब ये बात मैंने रेवा आंटी से कही, उन्होंने मुझे ऐसे देखा मानो कि मैं उन्हें कोई गाली दे रहा हूं। विकी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन एक आदमी दो दो बीवियों के साथ तो नहीं रहेगा ना। क्या बात कर रही हैं आप? दो बीवियां? किसकी दो बीवियां? मैं इस शादी को नहीं मानता, ये शादी बिल्कुल इलीगल है। देखो विकी, क्यों नहीं है लीगल वैल्यू? अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से डिवोर्स ले लेती है तो रेवा आंटी और तुम्हारे पापा की शादी लीगल हो गई। आप सब अपनी बकवास बंद कीजिए। मेरी शादी है, मेरी बीवी है, जो भी तय करना होगा मैं करूंगा, आप में से कोई कुछ नहीं करेगा। मनोविराज, वैसे वो जो कह रहा है वो ठीक तो है ही ना? क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला मैं करूंगा कोको। मेरी जिंदगी कोई टॉक शो नहीं है जो इस तरह खुलेआम डिस्कस की जाए। प्लीज नो मोर टॉक ऑन दिस। ओके, नमस्कार, मंजू हैं। आप कौन है? मैं स्वामी दयानंद। कई महीनों तक मंजू हमारे आश्रम में थी। आपके आश्रम में? जी हाँ, एक रात वो हमें सड़क पर घायल अवस्था में मिली थी। उस रात मंजू को हम अपने आश्रम ले गए। अस्पताल में ऑपरेशन करवाया गया। पूरे 48 घंटे के बाद उसे होश आया, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। एक दिन हमने सोचा भी कि क्यों ना पुलिस में खबर कर दें या इसका फोटो किसी अखबार में दे दें, लेकिन उसकी मानसिक हालत देखते हुए हमें यह अच्छा नहीं लगा। यानी कि इतने दिनों तक मंजू को कोई खबर नहीं, ना अपनी ना बाहर की, और आप लोगों ने भी उसे कुछ नहीं बताया? जी, क्योंकि हमारे आश्रम में कोई बाहर का आदमी नहीं आता, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि ये है कौन। तो फिर उसकी याददाश्त वापस आई कैसे? एक दिन अचानक मंजू आश्रम से बाहर गई कुछ सामान लेने के लिए। उसको किसी पत्रिका में अपना फोटो नजर आया जिसमें उसके मित्र के भी फोटो थे, और उसमें एक फोटो मित्र की शादी का भी था। उसे देखकर मंजू व्याकुल हो गई और उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसने सोचा क्यों मैं मित्र की शादी में जाकर सबको चकित कर दूं, इसीलिए वो यहां पर आ गई।
मंजू, 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 तू ठीक है? हे बाबा बालकनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है। मंजू, अच्छे से बैठ। मंजू, तुझे नहीं पता हमें तेरी कितनी याद आती थी, हमने तेरे को कितना मिस किया, तुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरी बहन वापस आ गई। हाँ मंजू आंटी, हमने आपको बहुत मिस किया। आपके बगैर ना घर में ना बंबई में कहीं मन नहीं लगता था, पर लगता है मैंने आने में बहुत देर कर दी। सब सब कहाँ है? सब बाहर हॉल में है। अब मुझे जाना चाहिए। जाना चाहिए? कहाँ? कहाँ? आश्रम में। और कहाँ? आश्रम में? तू आश्रम में क्यों जाएगी? तेरा घर है ना यहाँ। नहीं मंजू आंटी, अब आप हमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, प्लीज। नहीं, मैं किसी भी हालत में यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ेगी। अकेले मुझे जाने दो प्लीज। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी बहन को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। तू नहीं जाएगी, बस मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पांव पड़ती हूँ, तो कहीं नहीं जाएगी। चलो प्लीज, इंसिस्ट मत करो। देखो मेरे यार हैं, इसे दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। मनु की सोचो, वो किस असमंजस में होगा, क्या करे क्या नहीं। मेरे यहाँ से चला जाना ही ठीक होगा। प्लीज मुझे जाना ही होगा। मंजू आंटी, स्वामी जी, आप, स्वामी जी, आप मुझे लेने आए हैं? चलिए आश्रम चलते हैं। नहीं बेटी, मैं सिर्फ तुम्हें यहां देखने आया था। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि यही तुम्हारी दुनिया है और यही तुम्हारा संसार है। नहीं स्वामी जी, अब ये मेरा संसार नहीं रहा। यहाँ पे सब कुछ बदल गया है। मैं आपके साथ आश्रम लौट जाना चाहती हूँ। शायद सबके लिए यही अच्छा होगा स्वामी जी। मुझे आश्रम का वो शांत वातावरण चाहिए स्वामी जी। यहाँ मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। प्लीज स्वामी जी, मुझे वापस ले चलिए। देखिए, मैं इनसे जरा अकेले में बात करना चाहूंगा, क्या आप मुझे इजाजत देंगी? जी स्वामी जी, ऊपर वाले कमरे में चले जाएं। आओ बेटी। बेटी, वहां पर आकर तुम क्या करोगी? जो पहले कर रही थी। तब तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारा एक घर संसार है, कोई है जो तुम्हें मां कहकर बुलाता है, कोई है जो तुम्हारा पति है, कितने मित्र हैं तुम्हारे। मुझे अब उन सब से आस्था नहीं है। ऐसा तुम्हारे मन को अभी लग रहा है, लेकिन इतनी आसानी से मोह माया के बंधन नहीं छूटते, नहीं छूटते मोह माया के बंधन। हां, कुछ सालों के बाद तुम्हें यह सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारे मन से एक आवाज आएगी। मैं उसी आवाज की बात कर रही हूं। नहीं, तुम अपने मन की बात नहीं सुन रही हो। तुम तो सिर्फ यहां से दूर भाग जाना चाहती हो, दूर। लेकिन
मैं ये कह सकता हूं कि ये सब जानने के बाद तुम्हें वहां पर भी न चैन मिलेगा न शांति, वहां पर भी तुम्हारा मन विचलित रहेगा, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही हो, अपने जीवन से दूर भाग रही हो। जीवन में संघर्ष आवश्यक है, और बेटी ये तो मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं कि आश्रम के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं। जब आना चाहो आ सकती हो, लेकिन इस तरह डर कर या घबरा कर नहीं बेटी। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं यहीं रहूंगी। बेटी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, जहां भी रहो सुखी रहो और अच्छे मन से रहो बेटी। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अच्छा अब मैं चलता हूं, नमस्कार। नमस्कार। रेवा कुछ नहीं होगा, सब सुलझ जाएगा। रेवा रेवा तूने इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा और कर ले, सब ठीक हो जाएगा। और फिर मनोविराज तो है ना, किसी को क्या पता था कि मंजू वापस आ जाएगी। मैं रेवा मैं मंजू के पास जाता हूं, देखता हूं उसकी तबीयत कैसी है। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? वैसे इस शादी को तो अब खत्म ही समझो। लीगली तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, पूरी शादी हुई है हम सबके सामने। हाँ विद्या, लेकिन मंजू जिंदा है और मंजू ने अभी तक मनोविराज को डिवोर्स नहीं किया है, इसलिए ये शादी लीगल नहीं है। पर किसी को क्या पता था कि वह जिंदा है। लेकिन अब तो पता चल गया ना, तो फिर रेवा क्यों सफर करे। मनु ने उसके साथ प्रॉपर शादी की है, कोई भगाकर तो नहीं ले गया, और हम सब विटनेसेस हैं। विटनेसेस हजारों हो विद्या, लेकिन लीगली इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ये क्या बात हुई, एक मिनट बहस मत करो। राजा और मैं दोनों इसमें साथ शामिल हैं। Attempt in me. मैं वही करूंगी।